हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग भले चंगे होंगे और अच्छे से होंगे। ये देखिए हमारा जो गाड़ू पाइप, जिसको पहले भी आप लोग देख चुके हैं, और ये है हमारी गुलाबों की क्यारी। इस क्यारी में दो गुलाब लगे हैं, एक रेड है और एक येलो है। और ये थोड़े सूख रहे हैं, इनकी डालें थोड़ी सी मुरझा रही हैं। दो तीन डालें तो बिल्कुल सूख गई हैं, जिन्हें मैं कट करने के लिए आई हूँ। इनको मैं थोड़ा कट करूँगी और थोड़ा ट्रिमिंग करूँगी, जिससे कि ये अच्छे से सर्वाइव कर जाए, क्योंकि इनकी जो नई कोपले भी फूट रही है ना, वो भी सूख जा रही हैं। शायद गर्मी ज़्यादा है इसलिए इनको थोड़ा सा तकलीफ है, तकलीफ़ हो रही है, तो इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने कहा सूखी हुई डालें निकाल देती हूँ, ट्रिम कर देती हूँ, और थोड़ी सी इनकी मैं निराई गुड़ाई भी कर देती हूँ। क्या निराई गुड़ाई करने से ना थोड़ा घास फूस निकल जाएगा, और क्या कहते हैं कि खुरपी चलाऊँगी ना। खुरपी चलाने से क्या, मिट्टी उलट पलट होने से ना, एक तो थोड़े जो बारीक कीड़े उड़े होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, और ऑक्सीजन भी पेड़ों को अच्छे से मिल जाती है, पौधों को। इसलिए क्यारी को मैं अच्छे से निराई गुड़ाई कर दूंगी, क्योंकि बगल में देसी गुलाब लगे हैं हमारे पिंक कलर के, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। बस फूल थोड़े छोटे आ रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं, और क्या कहते हैं, बस उनको खाद पानी मिल जाए वो चलते रहते हैं आराम से। पर इंग्लिश पौधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा गर्मी वर्मी होती है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं बस निराई गुड़ाई कर दूँगी, कल परसों में थोड़ा पानी डालूँगी, थोड़ी सी खाद डालूँगी, चल जाएंगे अच्छे से, क्योंकि दो चार डाले ही सूखी हैं, बाकी पेड़ हरा है अच्छे से। प्लीज़ हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। Thank you.